इस्लामान लैंड ऑफ ब्यूटी में खुश आमदी। तो दोस्तों आज का जो हमारा ब्लॉग है वो इस्लामान के एक और खूबसूरत जगह पर है, वादी चनाला। जैसे कि पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम दूसरी वीडियो में हम वादी चनाला के पहाड़ों के बारे में बताएंगे। ये पूरी सीरीज इंशाल्लाह हमारे इस वादी चनाला के पहाड़ों के बारे में, इस वीडियो में हमको वादी चनाला के पहाड़ों के बारे में बताएंगे। और वादी जो वादी चनाला का एक पहाड़ है उसका नाम है चौकुंडी, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके ऊपर हम आपको उसके चनाला के खूबसूरत व्यू दिखाएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को इस्लामान लैंड ऑफ ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। शुक्रिया। अब हम पहुंचने वाले हैं एक अमरूद के बाग में। हम आप लोगों को हमारे गांव के अमरूद भी दिखाएंगे। और यहां के अमरूद बहुत मीठे होते हैं, हमारे गांव के अमरूद बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। अपने बाग की सैर करवाते हैं आपको, अमरूद के बाग दिखाते हैं यहां के। ये देखें अभी पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं। ये बड़े बड़े पत्थर आप लोग देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर इसी पहाड़ की वजह से, लैंड सैंड की वजह से यहाँ गिरे हैं। और ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर सोलर सिस्टम के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है और ये पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और खेतों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये सोलर प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये सोलर ये मुकामी लोगों ने खुद लगाया है। इसके अलावा और भी प्लेट्स हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी प्लेट्स हैं, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर लोग पानी स्टोर करते हैं और यहाँ से पानी खेतों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ हम अपने लिए खाना बनाते हैं। खाने में हमारे पास ये तीन बटेर हैं और ये तीन बटेरों को हम पकाएंगे और खाना खाने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल की जानब रवाना होंगे और आपको चौकुंडी पहाड़ दिखाते हैं। आग जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है, पहले लकड़ियाँ ढूंढते हैं और फिर आग जलाते हैं। दुश्वार गुजार रास्ता है और हम चौकुंडी की जानब जा रहे हैं। ये पहाड़ों में आप सुराख देख सकते हैं, ये देखें वादी चनाला के पहाड़ों में, ये देखें इस तरह के कुछ सुराख होते हैं या किसी जानवर के बनाए हुए घर। ये देखें ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने यहाँ पर अपना घर बनाया हो। ये देखें
अभी हम पहुंचने वाले हैं चौकुंडी पहाड़ पर। ये देखें सामने जो आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है, ये चौकुंडी पहाड़ है। हम वहाँ पर जा रहे हैं, रास्ता बहुत ही मुश्किल है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जाने की। अभी अभी बारिश हो रही है। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम अपनी मंजिल की जानब वापस जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों रास्ता कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल रास्ता है, नीचे गिरने का भी ख़तरा है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे शूज़ हों या बूट वगैरह हों या चप्पल तो फिर आप आराम से इस पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूं इस पहाड़ की चोटी पर। ये देखें, ये देखें इस पहाड़ की चोटी पर अब हम पहुंच चुके हैं। अब हम इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। तकरीबन 40 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अब हम इस पहाड़ की चोटी पर इस वक्त बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा एक माहौल है। आप मेरे पीछे, आप मेरे बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये खूबसूरत व्यू देख कर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। इस पहाड़ पर बैठे हुए आप कुदरत के हसीन नज़ारों को भी आप देख सकते हैं। ये पिछले जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है इससे आपको इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। जब नीचे से मैं ऊपर आया पहाड़ के नीचे तो मौसम वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट था और यहाँ पर मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। जो सामने नदी नज़र आ रहा है इस नदी को द्रुकलाड़ कहते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था ये द्रुकलाड़ है। और इसके अलावा ये आप सामने जो इस वक्त ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ इस ये बिहू का पहाड़ है। ये सामने वाला ये पहाड़ जो है जो बिल्कुल धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस पहाड़ को बिहू पहाड़ कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ बैठ कर तख्त सुलेमान के पहाड़ को भी आराम से देख सकते हैं। और ये वादी चनाला का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 700 तकरीबन लगभग 700 मीटर है। इसके अलावा यहाँ आसपास के छोटे गांव भी है। ये सामने जो मेरे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वादी फुगला है। इसके अलावा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था ये वादी चनाला है, इसके बारे में ठीक है मैंने बताया था पहले आपको वीडियो में। और इसके अलावा ये दूर दूर तक है, ये कोई सुलेमान का ये पहाड़ी सिलसिला जा रहा है। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये कोई सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके।